हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भारत की परंपराओं का प्रमाण G20 स्थल पर नटराज की मूर्ति से जुड़ी कुछ खास बातें जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल ग्रुप 20 का सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे। अतः उनके भव्य स्वागत के लिए दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम को बहुत ही सजाया गया था, जिसमें भारतीय इतिहास की कई सारी अनूठी जो मिसाल पेश की गई थी, जिसमें नटराज की मूर्ति भी शामिल थी। इसकी खासियत हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 27 फीट लंबी 18 टन वजनी यह प्रतिमा अष्ट धातु से बनी सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा है। इस प्रतिमा को तमिलनाडु के स्वामी मलाई के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थापित और उनकी टीम ने रिकॉर्ड 7 महीनों में तैयार किया। प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्णन की 34 पीढ़ियाँ चोल साम्राज्य के काल के मूर्तियों बनाती आ रही हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, रचनात्मकता और शक्ति का महत्वपूर्ण प्रतीक नटराज की यह प्रतिमा G20 शिखर सम्मेलन में आकर्षण का केंद्र रही। नटराज की प्रतिमा में कोई वेलवेट पार्ट नहीं है। इस मूर्ति को लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड यूज करके तैयार किया गया है। इस लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए 100 से अधिक आर्टिस्ट ने लगभग 3.25 लाख मानव घंटे खर्च किए। IGNCA के सदस्य सचिव सचिदानंद जोशी ने बताया कि G20 शिखर सम्मेलन से पहले यह प्रतिमा लगभग 10 से 12 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुई है। थैंक यू।